हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा थार। पर्सनली मेरी फेवरेट कार है और यूथ में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कार है, सबको पसंद आती है। इस कार की वेटिंग लगभग 10 महीने की है, इतनी ज़्यादा पसंद करी जा रही है, अच्छे खासे नंबर्स में सेल होती है। तो आज जो हमारे पास वेरियंट है वो डीजल में टॉप एंड वेरियंट है, ऑटोमेटिक में। बार में आता है 2184 cc का इंजन जो 130 bhp की पावर देता है, 300 Nm का टॉर्क देता है। तो शुरुआत करते हैं कार की की से। कार में हमें फ्लिप की मिल जाती है जिसमें 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, पार्किंग का। तो शुरू करें इसके फ्रंट से। फ्रंट में इसे हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बीच में महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर साइड में आते हैं, यहाँ DRL आती है। नीचे बम्पर में आपको फोग लैंप मिल जाएंगे, बम्पर पर एक थार की बैजिंग मिल जाती है बीच में हमें। साइड में बोनट खोलने के लिए हुक्स मिल जाते हैं जो काफ़ी बोल्ड लुक देते हैं कार को, पता लगता है दूर से कि कार एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। अंदर से पहले खोलना है, फिर हुक्स अनलॉक करने हैं, फिर बोनट खोलना है। साइड में बड़े बड़े व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, यहीं पर साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है। बात करें टायर की प्रोफाइल के बारे में, 255/65 R18 का व्हील मिलता है जो काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है हमें। साइड में थार की बैजिंग मिल जाती है, बड़ा सा ORVM मिल जाता है, इस पर भी थार की बैजिंग है, बट इस पर कोई टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है क्योंकि कार एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। तो ऑफ रोडिंग व्हीकल में हम कम से कम रखते हैं कि साइड में कुछ चीज़ें रहे जो कहीं अड़ जाए, कहीं टूट जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कमी इस्तेमाल करा जाता है। साइड में हमें स्टेप मिल जाता है कार में एंट्री करने के लिए, कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती है कार में। बताया मैंने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कम इस्तेमाल करा जाता है ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में। डोर काफ़ी वाइड खुलते हैं, एंट्री करके दिखा देता हूँ एक बार, में काफ़ी आसान है, कोई इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आपको कार में एंट्री करने के लिए। साइड में आपको एक विंडो पैनल मिल जाता है जो कि फंक्शनल नहीं है। पीछे आपको कार में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप अलॉय, अलॉय काफ़ी खूबसूरत लगता है कार के साथ, काफ़ी अच्छे से जाता है। पीछे आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, LED टेल लैंप मिल जाती है, इसमें भी थार की बैजिंग मिल जाती है आपको। सबसे अच्छी बात है कार में स्टेपनी में भी अलॉय व्हील आता है। ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है, 2 पार्किंग सेंसर आते हैं कार में पीछे। एक बार मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ, पहले आपको पूरा बूट खोलना है, फिर ग्लास ऊपर जाता है। कार का हाई स्टॉक लैंप मिल जाता है हमें, सेम बूट बंद करने के लिए सेम प्रोसेस है, पहले आपको ग्लास नीचे करना है, फिर आपको बूट बंद करना है। बात करें कार के बैक लुक की, तो काफ़ी रो, काफ़ी बोल्ड लुक मिलता है, दूर से पता लगता है कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, काफ़ी रफ एंड टफ आपको गाड़ी दिखती है। बात करें कार की साइड प्रोफाइल की, इस साइड आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसे ओपन है, बड़े बड़े सेम व्हील आर्चेस मिल जाते हैं। इस साइड भी साइड स्टेप आता है। अब मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ, जैसे कार में बैक डोर नहीं आता है तो आपको बैक जाने के लिए फ्रंट से ही एंट्री करनी पड़ती है। तो एंट्री के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, सीट फोल्ड, हैंडल, पीछे हमें कार में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बट थोड़ा सा जो इशू है वो इसके इंग्रेस और एग्रेस में ही है। तो ये एक प्रॉपर यूथ कार है, आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी अच्छी स्पेस है, सीट की काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, काफ़ी एरी का आपको केबिन फील होता है, बट अगर ये भी फंक्शनल होते तो कार में कुछ और अच्छा लगता। साइड में आपको एंटीना मिल जाता है, एम होक की बैजिंग मिल जाती है इस साइड, ये सब आप देख सकते हैं, ये जो प्रोटेक्टर वगैरह लगाए हुए हैं, क्रोम लाइनिंग दी गई है, ये एज एन एसेसरी लगाया हुआ है शोरूम ने। यहाँ पे भी आपको ब्लैक पेंट मिलता है, ये भी एज एन एसेसरी का ही पार्ट है। एक बार आपको इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको,
पहले आपको अंदर से ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है जो चीज़ इसकी, क्लिप्स रिमूव करो। एक हाथ से नहीं उठेगा ये मेरे से। ये सब बड़ा सा इंजन मिल जाता है, कोई हाइड्रोलिक नहीं आता है इसमें, मैनुअली आता है क्योंकि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो उसमें कम से कम मिनिमाइज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को कि हर सिचुएशन में आपकी कार रफ़ एंड टफ़ रहे। बारिश हो सकती है, मड हो सकता है, स्नो हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने का डर रहता है। मेन इशू ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम दिए जाते हैं। तो मैं एक बार इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ आपको, वापस से क्लिप्स बंद दोनों साइड। बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। थार की बैजिंग मिल जाती है, ORVM सेट करने के लिए डोर हैंडल, 1 लीटर बोतल के लिए स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, MID टॉगल करने के लिए हेडलाइट लेवलर मिल जाता है इस साइड। स्टेयरिंग पर आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आता है कार में। MID कंट्रोल करने के लिए उधर ही कंट्रोल से मैं एक बार आपको MID दिखा देता हूँ। ये टायर की डायरेक्शन आती रहती है इसमें MID में, टायर कितना टिल्ट कर रखा है आपने। पावर फिगर्स आ जाती हैं, ट्रिप आ जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह सब मिल जाते हैं, बस इसमें बैक कैमरा नहीं आता क्योंकि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि कहीं टच हो जाए वो ख़राब ना हो चीज़। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं आता, मैनुअल आता है। बट पर्सनली इसका AC मेरे को इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगा, काफ़ी इफेक्टिव AC है इसका। एक पॉइंट पे भी कार 5 मिनट में पूरी चिल्ड हो जाती है। नीचे आपको पार्किंग के लिए मिल जाता है, पार्किंग जलाने के लिए सीट बेल्ट का इंडिकेशन आ जाता है, एयरबैग का इंडिकेशन आ जाता है। इधर आपको गियर लीवर मिल जाता है, गियर लीवर पर आपको ऑप्शन मिलता है इधर पार्किंग, रिवर्स, ड्राइव, न्यूट्रल, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए मिल जाता है। जैसा आप हिल्स वगैरह पर चल रहे हो, आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आपको एकदम गियर लो करके आपको पावर ज़्यादा चाहिए, उस वजह से ये 4x4 के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस पर आपको मैं दिखा देता हूँ, 2H मिलता है, 4H मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, 4 लो मिलता है। अब बता देता हूँ, 2H तो नॉर्मल ड्राइविंग मोड है, आपको हाईवे वगैरह पर जाना है, सिर्फ 2 व्हील पर ही कार चलानी है तो 2H। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आपको 4x4 चाहिए तो 4H, और अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, आपको एकदम खड़ी चढ़ाई पे चलाना है, आपको उस हिसाब से चाहिए, तो पहले आपको कार न्यूट्रल में करनी पड़ेगी, उसके बाद 4 लो में लगेगी। इधर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे ग्लॉस फिनिश में मिल जाता है, 2 कप होल्डर आते हैं कार की सीट के लिए, लंबर सपोर्ट के लिए भी इधर कंट्रोल आता है। फ्रंट पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है, क्योंकि कार एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो आपको पकड़ने के लिए प्रॉपर ग्रिप मिलनी चाहिए। एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और सबसे अच्छी चीज़ है जो इसमें ओल्ड स्कूल पैटर्न में मेरे को अच्छा लगा, ये लॉक भी कर सकते हैं आप कार को, क्योंकि कार की आप अगर आप इसे ओपन करके चलाते हैं, आप इसका टॉप रिमूव करके चलाते हैं, तो आपको सेफ्टी पर्पज से आपने अपना कुछ उसमें रखा है तो उसको आप बंद कर सकते हैं। तो ऊपर हमें सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, इधर हमें एक टिकट होल्डर मिलता है, बीच में ORVM मिलता है जो मैनुअली एडजस्ट है, इस साइड एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। कार के आपको काफ़ी खूबसूरत से AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है, बाहर आपको क्रोम की आउटलाइनिंग मिलती है। और जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, जो मेरे को कार को देख के सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो है ये यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बैजिंग, जिसपे नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया विद प्राइड। तो सबसे अच्छी बात जो महिंद्रा के बारे में है, ये एक इंडियन कंपनी है और एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लेके आई है, तो मेरे हिसाब से आपको ये ज़रूर बाई करना चाहिए।
और इसमें छोटे छोटे काफी खूबसूरत से एलिमेंट्स दे रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ्रंट विंडशील्ड पे, थार के लिए आपको यहाँ पे कैमल मिल जाता है, आपको सेंड्यून्स मिल जाते हैं, उसके आगे आपकी थार चल रही है। तो ये छोटे छोटे से आपको टच दे रखे हैं जो कार को एक बहुत अच्छा फील देते हैं। थार की बैजिंग हर जगह है। तो बात करें रियर सीट की स्पेस की, तो रियर में आपको दो बंदों के लिए स्पेस मिल जाता है। रीडिंग लैंप आपको यहाँ मिलेगा, ऊपर आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, स्पीकर और ट्विटर की। साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी बॉडी में अटैच्ड नहीं है, ये इसमें पाइप में अटैच कर रखे हैं, क्योंकि ये हार्ड टॉप है, ये बंदा रिमूव भी करा सकता है बाद में। देख सकते हैं आपको लाइटिंग का कोई इशू नहीं है, साइड से लाइट आ जाती है, बट ये है कि ये कोई फंक्शनल नहीं है। बीच में आपको थोड़ा सा मिलता है, बट ये है फोर सीटर ही कार, आप देखें तो प्रॉपर। बैक में देख सकते हैं, बैक से भी काफ़ी अच्छी लाइटनिंग आ जाती है कार में। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि आपको कार से बाहर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। ये लीवर है, आपको बस एक बार ऐसे पुल करना है, गेट ओपन। तो बात करें कार की ड्राइवेबिलिटी के बारे में, काफी अच्छी ड्राइवेबिलिटी मिल जाती है, सस्पेंशन काफी अच्छे से ट्यून कर रखे हैं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, ओल्ड जनरेशन से काफी ज्यादा चेंज करा है महिंद्रा ने, काफी इंप्रूव करा है। बात करें विजिबिलिटी की, तो कार की अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है, आपको कॉर्नर से कॉर्नर बिल्कुल दिखता है। बात करें कार की मिड रेंज की, तो काफी पंची इंजन मिल जाता है आपको मिड रेंज में, आपको कार कहीं भी स्ट्रगल होती फील नहीं होगी कि कार लो पावर है अंडर पावर है। ऑफ रोडिंग में तो इसका स्पेशल यूज है, कार में आपको 4x4 का अलग से लीवर मिल जाता है। काफी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है कार की, फ्रंट दो डिस्क आते हैं, बैक में ड्रम ब्रेक्स आते हैं इसमें रियर में। टॉप एंड वेरिएंट में आपको इसका क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा कार में, कार के एनवीएच लेवल आप चेक कर सकते हैं, कार में ज्यादा अंदर नॉइज नहीं आती इंजन की। अगर आपने एसी और म्यूजिक सिस्टम चला रखा है तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको अंदर कि डीजल व्हीकल इतनी आवाज कर रहा है। काफी अच्छा पिकअप मिल जाता है कार का, आपको ओवरटेकिंग करने में काफी मजा आएगा, काफी पंची इंजन है, आपको क्लियर विजिबल हो जाता है कि कार में 300 Nm का टॉर्क है। बात करते हैं कार के फीचर्स के बारे में, जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को इसमें लगा, इसमें पूरी पावर फिगर यहाँ पे आ जाती है, इसमें पावर दिखाएगा, यहाँ पे आपको डीजल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, टॉर्क दिखाएगा कार कितना कर रहा है, इधर कंपास है ऑफ रोडिंग के टाइम के लिए भी है, कितना टिल्ट एंगल वगैरह है, कौन सा टायर कितनी पावर जनरेट कर रहा है। और आप इन सब चीज़ों को अपनी सोशल मीडिया पर यहीं से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी। बात करें कार के हाईवे परफॉर्मेंस की, तो कार में काफ़ी अच्छी हाईवे परफॉर्मेंस मिल जाती है, 120-130 पे भी कार काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी वाइड ORVM मिल जाते हैं, दोनों साइड के पूरा व्यू आता है, आपको कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा कार में देखने के लिए। कार की पूरे चेंजेस कर दिए हैं, बट जो फील अब भी है वो सेम ओल्ड महिंद्रा थार वाला है, कार को चलाने में काफी मजा आता है। तो बात कर लेते हैं कार की प्राइसिंग के बारे में, इसका टॉप एंड वेरिएंट है, ये अराउंड 17 लाख ऑन रोड कॉस्ट करता है, जो एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे आप बात करें तो आपको कोई भी एक अच्छा 4x4 व्हीकल नहीं मिलेगा जिसकी कैपेबिलिटीज इतनी हाई हो। थार की कैपेबिलिटीज अपने दुगने प्राइस वाले कॉम्पिटिटर से भी अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है कार की, और अब तो हाईवे के लिए काफी इंप्रूव कर दी है। कार की हैंडलिंग की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, कार एक काफ़ी अच्छा माइलेज दे देती है इतने बड़े इंजन के साथ, अराउंड रियल लाइफ की बात करूं तो मैं 13-14 माइलेज दे देती है, ऑफ रोडिंग पे 9-10 का दे देती है, तो ओवरऑल 11-12 का आराम से आपको कार माइलेज दे देगी। बात करें कार की स्पेसिंग के बारे में, तो कार एक प्रॉपर फोर सीटर कार मानेंगे आप इसमें,
पीछे आपको थोड़ा सा कम बूट स्पेस मिलता है, तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप इसमें आराम से दो बंदे पूरे लगेज के साथ आप लद्दाख के लिए अभी निकल जाइए। आपको कुछ चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है कार में, 4x4 कार आपको मिलती है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कार कहीं स्टक हो सकती है। मैं एक बार के लिए कह सकता हूँ कि जो इससे ऊपर की सेगमेंट की कार 4x4 आती है, अगर आप उनको एक बार लेह लद्दाख लेके जाओगे तो आपको स्नो चेंज वगैरह आपको कई बार सोचना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी कहीं नीचे से अड़ ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ये जो आपको एक कॉन्फिडेंस है ये महिंद्रा थार ही देती है कि आप इसको कहीं भी कैसी भी कंडीशन में आप लेके जा सकते हैं। तो अगर आपका 17 लाख के आसपास का बजट है, आपको एक 4x4 इंडियन ब्रांड की एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी कार चाहिए तो आप महिंद्रा थार के लिए जा सकते हैं। और इस वीडियो के लिए मैं एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा जय कुमार अरुण कुमार मेरठ महिंद्रा शोरूम को, काफी अच्छा स्टाफ है, आज इनका ऑफ है, ये ऑफ में भी हमें इन्होंने शूटिंग करने की परमिशन दी, काफी कोऑपरेटिव स्टाफ है, मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। तो अगर आप मेरठ के आसपास हैं और आपको कोई भी महिंद्रा की कार खरीदनी हो, थार के अलावा काफी सारी कार आती है महिंद्रा की, आप किसी भी कार के लिए जा सकते हैं, एक बार आप शोरूम को जरूर विजिट करें, एक बहुत अच्छी डील मिल जाएगी यहाँ पर आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।